हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अमृता मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी दही वाली चटनी। जी हाँ, ये है रेस्टोरेंट स्टाइल दही की चटनी, जो कि हम अक्सर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं और ये काफ़ी सारे स्नैक के साथ सर्व की जाती है। तो आइए सीखें ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी, जिसे कि अब हम बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, और इसको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेस्टोरेंट स्टाइल दही की चटनी बनाना। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने एक बंच जो है धनिया की पत्ती ली है, और उसकी आधी मैंने पुदीने की पत्तियां ली हैं। और ये देखिए, धनिया के स्टेम्स हैं, क्योंकि इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको इसकी डंठल जो है वो हटानी पड़ेगी, क्योंकि इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और मैंने इसमें लिया है 2 हरी मिर्च ली हैं, 1 इंच अदरक है जिसे कि मैंने काट लिया है ऐसे ही, और थोड़ा सा काला नमक है, थोड़ा सा सादा नमक है, ये मैंने स्वाद अनुसार लिया है, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा है आधा छोटा चम्मच, 2 हरी मिर्च है। ग्राइंडर जार में हम धनिया की पत्ती ले लेंगे, पुदीने की पत्तियां ले लेंगे, अब हम इसमें हरी मिर्च भी ले लेंगे, नमक ले लेंगे, दोनों सादा नमक काला नमक, और ये आपको नमक स्वाद अनुसार ही लेना है, और भुना हुआ जीरा पाउडर अदरक भी ले लेंगे। ये अच्छे से पिस जाए इसके लिए हम इसमें 2 चम्मच दही का यूज करेंगे, और दही बहुत खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको एक बार पीस लेंगे। ये इसको मैंने पीस लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी दही और लेके ऐड कर देंगे, तो हम ये 4 से 5 चम्मच दही और इसमें लेके ऐड कर देंगे, और इसको फिर एक बार लेके ब्लेंड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल दही की चटनी बनके रेडी है, और ये किसी भी स्नैक के साथ बहुत ही अच्छी जाती है। जैसा कि हम होटल और रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, ये बिल्कुल वैसी है। तो आप भी रेसिपी बना के जरूर ट्राई करिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज तुरंत वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर करना एकदम ना भूलें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, बाय।